तो हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ में जो हैवानियत हुई उसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। गैंगरेप को अंजाम देने वाले दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग पूरा हिंदुस्तान कर रहा है और हिंदुस्तान के कोने कोने से अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। हम कितने दिन तक इंतजार करेंगे कि फास्टैग बन जाएगा, कानून अपना काम करेगा। उन दरिंदों को 15 दिन के अंदर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये गुस्सा, ये आक्रोश, नारेबाजी है उन दरिंदों के खिलाफ जिसने हिंदुस्तान की काबिल बेटी के साथ ऐसी हैवानियत की जिसके बारे में सोचने भर से रूह कांप उठती है। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना के खिलाफ देश भर में आक्रोश दिख रहा है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां मुस्लिम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। मार्च में पुरुषों से लेकर छोटी बच्चियां तक शामिल हुई, जिनके हाथों में पीड़िता के लिए इंसाफ मांगते पोस्टर थे। विरोध की ऐसी ही तस्वीर एमपी के झाबुआ जिले में भी सामने आई। यहां आक्रोशित युवाओं ने इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों का पुतला फूंका। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कर्नाटक के शिवमोगा में प्रोटेस्ट किया। आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना की निंदा की और आरोपियों के लिए कठोर से कठोर सजा की मांग की। बहुत निंदनीय घटना है, उसके जो भी दोषी हैं कठोर से कठोर से कठोर और जल्द से जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना इस देश में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हैदराबाद की घटना पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। शासन प्रशासन पर ही सब छोड़ के नहीं चलेगा, अपने घर से प्रारंभ करना है। पुरुषों की मातृशक्ति की ओर, महिलाओं की ओर देखने की दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, यही इन सब बातों को बंद करे। जैसी कि हमारे देश की परंपरा है, किसी की भी बेटी हो वो कन्या है, दुर्गा का रूप है। ये जो हमारे देश की भावना थी उसकी शिक्षा आज नहीं दी जा रही है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये सब बातें नहीं बताई जा रही हैं। इस मामले में पुलिस ने एक और खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने वारदात के वक्त पीड़िता को जबरन शराब पिलाने की कोशिश भी की और इस केस में अब तक 4 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।